आपके साथ मैं हूं औंछा सिंह। तो चलिए स्वागत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। मैनपुरी के औंछा थाना के ग्राम नगला कन्हई में संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीली चाय पीने से 2 बच्चों सहित 3 की मौत हो गई है। 2 अन्य लोग बीमार हो गए हैं, जिसके बाद बीमारों को जहां जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहीं 3 मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि मृतक बच्चों के नाना रविंद्र कुमार घर पर आए हुए थे, जिसके बाद बच्चों की मां रामवती ने चाय बनाकर दी। चाय पीने के बाद जहां 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई तो नाना रविंद्र की भी मौत हो गई। जहरीली चाय पीने वाले मृतक बच्चों के पिता शिवनंदन और एक अन्य पड़ोसी युवक बीमार हुए हैं। पुलिस ने घटना स्थल पर चाय बनाने से जुड़े सामान को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक लैब के लिए भेजा है। वहीं मृतक बच्चे की मां रामवती अचेत हालत में है, जिसे जानकारी जुटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चाय पीने से कुछ लोगों की डेथ हो गई, क्या पूरा? ये थाना औंछा के नगला कन्हई का एक मामला आया है। एक परिवार में आज सुबह चाय बनी है और चाय जिसने भी पी है उनकी तबीयत अचानक बहुत तेज़ी से ख़राब हुई है और उनको अस्पताल जिला अस्पताल ले आया गया, जिसमें 3 की डेथ अब तक हो चुकी है। 2 लोग और जो चाय पिए उनकी भी हालत गंभीर है, उनका इलाज चल रहा है। जो भी चाय की चीज़ें थी अभी जो उनसे जो बात हुई है उसको अभी हम लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया, उसकी सैंपलिंग करा रहे हैं। बाकी और चीज़ें देख रहे हैं कि क्या चीज़ ऐसी थी जिसको लेने पे इस तरह का ये हादसा हुआ है, गंभीर घटना हुई है, इसका हम पूरी पड़ताल कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए